विद सिटी जर्नलिस्ट की खास पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर 6,000 रूपए पर स्क्वायर यार्ड नकद या आसान अकसात पर MNC कंपनीज जैसे नेटको फार्मा जॉनसन एंड जॉनसन PNG चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज मोहम्मद आजम अली। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पीर को भारत राष्ट्र समिति BRS की रियासत में आइंदा असम्बली इंतखाबात के लिए तमाम 119 सीट्स के उम्मीदवारों की फहरिस्त का ऐलान किया। BRS के सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया कि वो आइंदा तेलंगाना इंतखाबात में 2 हलकों से मुकाबला करेंगे जिनमें उनका मौजूदा हलका गजवेल और कामारेड्डी शामिल है। पीर बतारीख 21 अगस्त को तेलंगाना भवन में दोपहर 2:30 बजे मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने BRS उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की। उन्होंने कहा कि पार्टी ने अभी गोशा महल और नामपल्ली समेत 4 हलकों के उम्मीदवारों का फैसला करना है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए पहली उम्मीदवारों की फहरिस्त का ऐलान करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने नोट किया, कुल 119 असेंबली हलकों में से सिर्फ 7 में उम्मीदवारों की तब्दीली हुई है। इन हलकों में शामिल है बोध, खानापुर, वायरा, कोरोटला, उपल, आसिफाबाद। उन्होंने जोर देकर कहा कि हैदराबाद लोकसभा के रुकन असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत वाली AIMIM के साथ BRS की दोस्ती जारी रहेगी। ऐसा बोलने का क्या मतलब है? कोई मतलब? दोनों को पागल समझते हम लोग। ऐसा बोलने का क्या मतलब है? कोई मतलब बनता क्या? अब शरद पवार जी थे, नहीं सुनिए सुनिए, महाराष्ट्र में शरद पवार जी थे, वो कांग्रेस के अलायंस में थे। मैं जैसा महाराष्ट्र में चले गया तो वो कहने लगा कि आप BJP के बेटी में, लेकिन 15 दिन के अंदर वो सीधे घुस गया BJP में सरकार में। अब ऐसे लोगों से क्या कहेंगे? इसलिए भी ट्रीट द मैन पागल।